हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तिल और गुड़ की मिठास के साथ ढेर सारी खुशियां बांटिए, मिठास बांटिए, खुश रहिए। तो चलिए आज की मेरी शेयरिंग देख लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मैं गर्मियों के प्लांट अब धीरे धीरे संभाल रही हूँ और बहुत सारे प्लांट हैं मेरे पास परमानेंट। तो आज है बारी, ये देखिए, अडेनियम की। तो इसको मैंने कैसे संभाला, इसमें क्या क्या डाला, यही चीज़ मैंने शेयर किया है। तो चलिए देखते हैं इनको वापस से मैंने क्या क्या पोषण दिया है। आइए देखते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए फ्रेंड, फिर देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये अडेनियम के मेरे पास है 5 सैपलिंग ही समझिए, अभी छोटे छोटे ही हैं, पर अब इनको काफ़ी टाइम से, पॉट तो खैर अभी भी नहीं बदल रही हूँ मैं, इसी में पड़े हुए हैं। इनको बचाना ही बहुत बड़ी बात थी मेरे हिसाब से, क्योंकि इस सीज़न बारिश भी बहुत हुई और बारिश के पानी से बिल्कुल ये ख़राब हो जाता है और फिर उसके बाद सर्दियाँ पड़ी। अब जाके इनको थोड़ी सी राहत वाली मौसम इनके लिए आया है, तो गर्मियों में ये फ्लावरिंग करेंगे, अच्छे से करते हैं अडेनियम। तो देखिए, मैं इनको जैसे इनके ये जो कोडेक्स हैं, ये मतलब रॉट ना हो जाए, गल ना जाए, सोच के मैं ज़्यादा रेत की मात्रा ही डाली थी इसमें और कुछ नहीं मिलाई थी। अब थोड़ा थोड़ा इनको पोषण चाहिए रेत से, सिर्फ बस इसमें बने हुए हैं, पर इनको बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए कुछ पोषण नहीं मिल रहा है। तो इनको मैं क्या क्या पोषण देने वाली हूँ वो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। पहले तो मैं इनकी गुड़ाई करूँगी, थोड़ा थोड़ा इनका पॉट, ये जो रेत रेत भरा है ना, ये मैं थोड़ा खाली करूँगी किनारे किनारे से। सीड से, कटिंग से जो प्लांट रेडी होते हैं उनकी खुशी कुछ और ही होती है। इनका मदर प्लांट तो पिछले सीजन ख़राब ही हो गया मेरा, हमारे घर के काम की वजह से। ये देखिए इनकी, ये थोड़ी थोड़ी मैं खाली कर रही हूँ इनके पॉट, उसके बाद मैं क्या करूँगी वो भी बताऊँगी आपको। गार्डनिंग सभी करते हैं पर सबका काम करने का अलग अलग तरीका होता है और हर किसी के तरीके से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा हम आइडिया लेते ही हैं। मैं तो भाई अपना बता रही हूँ, मैं आइडिया लेके ही इतना बड़ा गार्डन अपना रेडी कर ली, नहीं तो गार्डनिंग का मेरे को ABCD भी नहीं आता था। ये देखें, अब इसमें मैं क्या डालूँगी, ये देखिए क्या है, ये पिंक वाला, ये चॉक है, इसको मैंने चूरा कर लिया है और ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो इनके पोषण के लिए, इनके स्टेम को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा इनके मिट्टी के किनारे किनारे डाल दूँगी। देखिए, ये मैं सभी पॉट में करूंगी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर ऊपर मैं मिट्टी डालूंगी तो ये सब मिक्स हो जाएगा और इस
चौक का दूसरा ऑप्शन भी है, दिखाते हैं। ये 10 रुपये का बुझा हुआ चूना, इसको भी आप पानी में घोल के डाइल्यूट करके दे सकते हैं, पर अभी मैं ड्राई फार्म में दे रही हूँ ताकि धीरे धीरे इनके जड़ों को इसका पोषण मिलता रहे। तो आप ये भी कर सकते हो कैल्शियम के लिए, सभी प्लांट्स के लिए। ये हो गया, और ये है नॉर्मल मिट्टी, थोड़ी थोड़ी मैं ये डालूँगी। ये अच्छी मिट्टी है, से मिट्टी से रेत और मिट्टी में ही फ़र्क होता है, मिट्टी से इनको पोषण मिलता है, रेत सिर्फ इनके रूट्स को संभाले रखती है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद ये है मेरा गार्डन का बेस्ट फर्टिलाइज़र, काउडंग। और ये गीला गीला क्यों दिख रहा है मैं बता दूं आपको, कि मैं लिक्विड इनके केक का मैं लिक्विड बना के रखती हूँ, और मैं बार 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 उनके पानी को चेंज करके देती रहती हूँ, तो ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी अब गर्मी आ रही है, ये गर्म खाद होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में इसको देना सही नहीं रहता, लेकिन अभी अभी क्योंकि ठंड बना हुआ है तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको, और गोबर खाद कैसे भी नुकसान नहीं करता, इसको भी किनारे किनारे डालूंगी। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए रूट से थोड़ा दूर, एक ही हाथ से सब करते नहीं बनता है, दोनों हाथ फ्री रहते हैं तो अच्छे से ये चीज़ें हो जाती हैं, पर अपने फ्रेंड्स को दिखाना भी ज़रूरी है। ये देखिए ये हो गया गोबर, और इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी ये देखिए ये मिट्टी और डाल दूँगी। अब हमारे यहाँ इतना कोहरा नहीं पड़ रहा है, मैं इनको अब धूप में रख सकती हूँ, अभी धूप की कमी है, थोड़ा प्लांट्स की वजह से कमी है, एक साइड जिनको बहुत ज़्यादा धूप चाहिए, जो अभी खिल रहे हैं वो सारे प्लांट रखे हुए हैं, तो इनको मैं अब बेधड़क कहीं भी रख सकती हूँ। ये देखिए ये हो गया मेरा पॉट रेडी, तो ये बाकी के भी जो 4 प्लांट्स हैं उनके साथ भी मैं यही करूँगी। तो कैसा लगा मेरा ये तरीका, आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और कुछ आप सलाह देना चाहते हो तो आप वो भी कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं। तो ओके फ्रेंड, आज की यही थी मेरी शेयरिंग।